ब्रैम्पटन के नॉर्थ पार्क ड्राइव ते टॉरब्रम रोड ते स्थित जगनाथ मंदिर दे विच कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के अधिकारियों वल्लों अज कैंप लगाया गया। इस कैंप के जरिए अधिकारियों ने लोगों को वीजा प्रोसैस के विच आ रही समस्या ओसीआई कार्ड और पीसीसी के विच आ रही दिक्कत नूं लैके जानकारी दी। महामारी के दौरान इस तरह के कैंपा ऑर्गेनाइज करना काफ़ी औखा सी, पर हालात के हो रहे सुधार को देखद अज ब्रैम्पटन के पहला कैंप लगाया गया जिथे कई सैकड़े लोगों वालों अपन समस्यावान दसिया गई। प्रवासी मीडिया ग्रुप के संचालक मिस्टर रजिंदर सैनी वालों जनरल कौंसलेट ऑफ इंडिया के अधिकारियों तो इस कैंप में लैके कई सवाल पूछे गए। कौंसलर पी के मंजाल ने लोगों को किस तरह दिक्कत आ रही ने उन्होंने वालों कि सेवावान प्रदान की जा रही ने उस बारे खुल के विचार रखे गए। इस नाल ही दस दिए कि पीसीसी अते वीजा के वाइस कौंसलर हरदीप सिंह नाल भी प्रवासी टीवी के संचालक रजिंदर सैनी वालों गलबात की गई जिन्होंने कई तरह की जानकारी साझी की। असी इस वेले पहुँचे हुए हैं जगन्नाथ टैंपल टॉरब्रम और नॉर्थ पार्क के बिल्कुल लागे और इतने मेरे नाल पी के मुंजाल साहब ने जोड़े कौंसलेट ने कौंसलर ने पासपोर्ट और वीज़ा दे तुसी देख रहे हो पिछे काफ़ी रश है, बाहर भी काफ़ी लोग खड़े है और बड़ा अच्छा उपराला है कि कोविड के टाइम से उतों चल के डाउनटाउन तो स्पैशल थोड़ी सारे की सहूलत लिए इतने आए हैं। कैसे चल रहा है मुंजाल साहब अभी तक? आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितने लोगों के आए हुए हैं। यहाँ पे इस कैंप लगाने का मेन मकसद ये था कि जो लोग मतलब कौंसलेट डाउनटाउन नहीं आ सकते तो कौंसलर उनके द्वार पे आए, जो भी उनको मतलब सर्विस वगैरह जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम होती है काफ़ी दिनों से, कोई किसी का ओसीआई अटका हुआ है, किसी के पासपोर्ट अटका हुआ है, तो इस कैंप का बेसिक इश्यू है, पर्पस है कि जिनकी लोगों की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करना, ना कि कोई सर्विस देना। तो इसलिए कई लोगों के मैंने देखा यहाँ पे जो भी सबकी ओसीआई की काफ़ी क्वेरीज हैं तो ऐसे इन मेन प्रॉब्लम हमारे लोगों को फेस होती है कि मतलब एक तो कोविड के कारण उनको दिक्कत हो रही कि आ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने फिर यहाँ सोचा कि अब जैसे कोविड ये खुला तो हमारा प्रयास था कि यहाँ पे आके लोगों को, शनिवार का दिन भी है और वर्किंग डे में लोगों को आने की दिक्कत आती है, तो इसलिए हमारा यही मेन मकसद था कि यहाँ के जो भी जिसकी प्रॉब्लम है पासपोर्ट वीज़ा रिलेटेड जो आके यहाँ उसको सॉल्व करें। तो हमारे ऑफिसर आए हुए हैं, पासपोर्ट वाले ऑफिसर भी आए हुए हैं, वीज़ा वाले भी आए हुए हैं, पीसीसी वाले सारे ऑफिसर आए हुए हैं, मैं खुद ओसीआई की रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो बेसिक पर्पस यही है कि जितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं कर सकें वही हमारा मेन मकसद। बेसिकली अटेस्टेशन वाले आ रहे हैं, पासपोर्ट वाले आ रहे हैं, किसी का पेपर पूरे नहीं है, ओसीआई में लोगों को प्रॉब्लम अभी जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा कि मतलब अभी जा सकते हैं नहीं जा सकते, मोस्टली जो क्वेरीज आ रही हैं ओसीआई की अटेस्टेशन की, जो डॉक्यूमेंट वगैरह पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ने टेस्ट करवानी है, पेपर वगैरह नहीं है पूरे, या किसी ने और जैसे अभी मेन जो आ रही हैं ओसीआई पासपोर्ट और उसकी अटेस्टेशन, पीसीसी कुछ लोगों की अटकी हुई है तो उसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारा प्रयास है कि हम कोविड, ये तो हमारा जब नई हमारी कौंसिल जनरल आई थी उनका शुरू से ही प्रयास था कि हम लोगों के द्वार तक जाएं, लेकिन बीच में एक डेढ़ साल ये कोविड के कारण हम ये नहीं कर पाए, लेकिन अब अगर जैसे अब ओपन हो गया तो हमारा प्रयास रहेगा एटलीस्ट मंथ में एक बार ब्रैम्पटन मिसिसागा जहाँ भी इंडियन वो है तो वहाँ जाके डायस्पोरा की मतलब वहाँ जाके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। 150 साल बाद मिस्टर चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, वेरी गुड। हम तो सब सुबह से वही डिस्कस कर रहे थे कि कितना मतलब खुशी का दिन है आज, सबसे ज़्यादा इस बार जैसे कि आपको पता है 7 ओलंपिक में 7 मेडल आए हैं, लास्ट टाइम लंदन में 6 आए थे, तो आज तो सचमुच ही बहुत खुशी का मौका है। और हमारा प्रयास एक चीज़ और है कि अभी तो हम ये लगा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि दूसरे जैसे विंडसर या लंदन या वहाँ भी जाके अभी रेगुलरली जाके लगाएंगे अगर गॉड विलिंग की जो खुला रहे मतलब। अभी जो है वीज़ा की सर्विस इन पर्सन अवेलेबल है, बट सिर्फ इमरजेंसी वीज़ा, जैसे किसी का डेथ केस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, बिकॉज ऑफ कोविड अभी हम सारा खोल नहीं पा रहे, लेकिन अभी अगले सप्ताह से हमारा प्रयास है कि ये अटेस्टेशन वाली सर्विस सबसे पहले खोलेंगे। बाकी ब्रैम्पटन में बीएलएस ऑफिस में और टोरंटो बीएलएस ऑफिस में इन पर्सन सर्विसेज खुली हुई हैं, कब से लास्ट 4-5 महीने से चल रही हैं। हाँ, जहाँ तक आपका पेपर का सवाल है, अगर लोगों के पास पेपर नहीं है तो मेरा उनको यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले वो अगर पेपर नहीं है तो हमें ईमेल कर दें, जो भी पासपोर्ट का पेपर है तो पासपोर्ट वाले ईमेल पे, उससे हमसे पहले अप्रूवल दे लें, क्योंकि जहाँ अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है सरकार ने जो फिक्स किया है वो तो हम उनको बताते हैं रास्ता भी ये वाले नहीं है तो ये वाले ऐसे कर लो, लेकिन डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है बिफोर। सबसे मेन होता है कि लोगों को जैसे ओसीआई के लिए मेन बताऊँ कि इंडियन उसके लिए है तो लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट का पेपर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो पेपर एस्टेब्लिश करता है प्राइमरी पेपर वो आपके पास होना ज़रूरी है। मेरा सुझाव यही होगा कि उनको सबसे पहले हमें ईमेल से लेके, अगर उनको पता है कि मेरे पेपर पूरे नहीं हैं। तो दूसरा ये है कि पोस्टल सर्विस में लोगों को कहते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है,
तो अब तो BLS जो ब्रैम्पटन और टोरंटो सेंटर है इन पर्सन खुले हुए हैं, बिना अपॉइंटमेंट के भी आप जा सकते हैं, तो वॉक इन अलाउड है वहाँ पे। तो जब भी है आप जाके अपना वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑन द स्पॉट आपका रेजोल्यूशन हो जाता है। पोस्टल में होता है कि आपको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, पेपर वापस आता है फिर आता है, तो बेटर है अगर नहीं पेपर पूरे तो या तो इन पर्सन चले जाएं या हमारे कॉन्सुलेट में ईमेल से पहले बोले लें। अभी तो है समय है काफ़ी, अभी तो 15-20 दिन तो लगता है कि अभी नहीं, इस 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक तो नहीं है, तो जो भी राइट टाइम है अगर वीज़ा OCI करना है तो अभी अप्लाई कर लें, अभी ज़्यादा रश नहीं है, होने के बाद फिर थोड़ा रश हो जाएगा, तो बेटर दिस इज़ द राइट टाइम। बाकी जब अभी हम हर मतलब सप्ताह के लास्ट वीक में बताएंगे नेक्स्ट मंथ कहाँ लगा रहे हैं, और सारे डायस्पोरा को भी सर वेबसाइट पे तो करते ही करते हैं, फिर वहाँ भी सर्कुलेट करेंगे सबको। वैसे धन्यवाद सर। तो ये सन जी काउंसलर मिस्टर मुंजाल वीज़ा और पासपोर्ट की सर्विस ये लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन तुम पिछे देख रहे हो जेडे पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट तो लैके OCI कार्ड तो लैके अटैसटेशन सारा कुछ अज इतने हो रहा है। तो मनिंदर भाटिया जी का नंबर मैं तुम्हें रोज़ रेडियो से सवेरे बोल के दे रहा सी पिछले हफ्ते तो कि उन्होंने मिल लवो, तो शी इज़ आलसो वेरी बिजी टूडे। मनिंदर जी पहले तो थोड़े ना शुरू कर दें, तुसी भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल जा रहे हैं। हाँ जी बहुत बहुत किए हैं, दिन रात अथक प्रयास करके असी साढ़े वॉलंटियर्स ने साढ़े जड़े चेयरमैन साहब मिश्रा जी साढ़े जड़े अपने गैरी भाजी जीत जी सब ने बहुत बहुत और डिवोटिया ने बहुत मतलब साड़ी सहायता की है जी। साढ़े नाल इस वेले शरदानंद मिश्रा जी भी ने जेडे इस टेंपल दे कमेटी दे हेड ने, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू जी, ये सब आप सबका कृपा है, ये बहुत इतने वॉलंटियर लोग जैसे कब से कल से काम कर रहे हैं सुबह से आज तक, और हमारे जो आए थे कंसल जनरल अपूर्वा जी रथ यात्रा में, उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, तब उन्होंने कहा कि कोई ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पहली बार उन्होंने किया है ब्रैम्पटन में, अगर ये सफल हो तो फिर करते रहेंगे, हर 2-3 महीने में करेंगे। यहाँ मुंजाल साहब से भी बात हुई है, कहते हैं अलग अलग शहरों में भी करेंगे और जहाँ भी बार बार आएंगे, बड़ी सहूलत है लोगों को, कहाँ कहाँ से लोग आए देखो। सुबह देखिए 9:30 बजे से लोग आके लाइन लगाए हैं, हम 10 बजे कहे थे, तो एक्चुअली लोगों की ज़रूरत भी है, बहुत ही ज़रूरत है। हम ऐसा भी और भी करेंगे, एक अटेस्टेशन कैम्प करेंगे नेक्स्ट टाइम, जिनको बस सिंपल अटेस्टेशन चाहिए, कोई लॉयर के पास जाके $50-100 देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ जाइए एक कैंप कर लेंगे, जो भी कराना है करके जाइए, ऐसे कम्युनिटी सर्विस बहुत हम सोच रहे हैं करने के लिए। अच्छा आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप। लो जी साढ़े नाल इस वेले हरदीप सिंह जी ने जेडे वाइस काउंसलर ने वीज़ा एंड PCC पुलिस क्लीयरिंग सर्टिफिकेट, तुम देखे अंदर किन्ना रश से किन्ने वधिया तरीके ऑर्गेनाइज़ किया गया इस कैंप न, पर मैं पता लगा कि इनू ऑर्गनाइज़ करन च हरदीप सिंह होरां दा इन्हां दा भी बड़ा वड्डा योगदान है। पहले तो जी तुहानू मुबारक, इन्ना अच्छा कैंप ऑर्गनाइज़ किया, अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ जी बिल्कुल जी, इत्थे मेरा आना 2-3 महीने पहले होया और ये बिल्कुल सेंटर दे विच जगह सी, मैनू अच्छा लग्या, जो इत्थे दे CEO हैगे ने मिश्रा जी उन्होंने भी मैं जानता है परसनली, तो उन्होंने इदा ही जिक्र होया तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट वी कैन प्रोवाइड द स्पेस, एंड फिर जो कोविड रेस्ट्रिक्शन हटियां जो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो की तरफ, तो मैं सोचा कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन खुलन तो बाद जो है ना ये पहला मौका है जो कि कैंप बाहर हो रहा है, तो मतलब वी ट्राइड अवर बेस्ट टू यू नो स्प्रेड द न्यूज़ थ्रू प्रेस रिलीज ऑन द वेबसाइट एंड यू नो थ्रू लोकल कॉन्टैक्ट्स थ्रू द डिवोटीज इन द टेम्पल, ते इट्स नॉट ए वेरी यू नो बिग रश बट सर्टेनली इट इज़ ए स्टार्ट। कोविड करके इन्ने लोग इकट्ठे होना, वैसे भी पाबंदियां हजे हटियां नहीं, आई बिलीव उन्हों कंपैरेटिवली देखते हो इट इज़ इट्स ग्रेट रश है। या इट इज़ ए ग्रेट रश बट स्टिल आई वुड से यू नो वी एक्सपेक्टेड मोर पीपल एंड वी वर इवन फियरिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम इन दी ओपन in the you know heart of the Brampton, so maybe there will be too much crowd and we will be having difficulty managing, but that thing has not happened, but certainly the news will spread through the people who attended the camp. Assi bhi media vallon nu pura promote kar rahe si, hor karange aur jadon hun lokan tak message jayega log dekhenge khud mehsoos karenge ki how well it is organized ji. मैं भी यही चाहता कि न्यूज़ स्प्रेड होए तो मे बी वी विल हैव ए बिगर वेन्यू दैन दिस, तो मैं यही चाहता कि आप न्यूज़ मीडिया के थ्रू गल फैले अगे और जो भी है, और ये सर्टेनली एक चीज़ होर मैं क्लैरिफाई करना चाहता, दिस कैंप इज़ ओनली फॉर द
resolution of disputes, information, it's we are not providing any service because that involves, you know, taking the fees and all. So it is only for information sake. ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵੇਅਰ ਦ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਊਸ ਯੂ ਨੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਕੈਂਪ ਹੀਅਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਈਵੈਂਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PCC ਜਾਂ ਫਿਰ OCI ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ